और कैसे एनर्जी पानी है वो स्वामी जी आपको बताएंगे। और ये अब एलोवेरा की बर्फी तैयार हो रही मेरा ख्याल है। हाँ देखो, गाय का घी ना हमने पूरी दुनिया को भी उपलब्ध करा दिया, और गाय के घी से तो श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। तो गाय का घी और उसमें जो है ये पहले दो, अब क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो हमने पहले से तैयार कर लिया था ये मावा। और इसी में ही मावे के साथ साथ फिर एलोवेरा का पल्प, ये एलोवेरा का पल्प निकाल करके पहले से तैयार रख दिया था हमने। इसको चाकू से दोनों तरफ से काट करके ऐसे, और बीच में से इसका ऐसे ऐसे करके पूरी कटिंग करके फिर ये पल्प निकाल लेते हैं और इसको ऐसे भून लेते हैं। भून करके ये भून के भूनते 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 भूनते, और फिर जब पूरा भून जाए मंद मंद आँच पर भूने धीमे धीमे, सहज पके सो मीठा हो, बड़ा स्वादिष्ट रहता है। फिर ये, फिर इसमें जो थोड़े ड्राई फ्रूट आदि खाते हो तो थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इसी के अंदर। ये ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थोड़े थोड़ा सा, इसमें इलायची, छोटी इलायची का पाउडर, उसको भी थोड़ा सा ऐसे डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची, जिनको थोड़ा केसर भी डालना हो तो केसर भी डाल सकते हैं। तो खैर ये तो हुई बात, इसको धीरे धीरे पकाएं, धीरे धीरे पका करके। वैसे तो आप दूध के अंदर ही, दूध में ही एलोवेरा आदि मिला दें और उसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे तो फिर जो मैंने ऊपर से घी डाला इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फिर ये ऐसी बर्फी बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने तो लड्डू देखो इतनी देर में एक भी लड्डू पूरा नहीं हुआ। क्या बात करें स्वामी जी, हे भगवान। इतना लड्डू रख के आप बोल कैसे रहे थे, ये मैं सोच रहा हूँ। मेरे से क्यों नाराज है, मेरा भी मोक्ष करो। तो एक इसको पेशेंस, लड्डू को बाई तरफ, धैर्य चाहिए, बर्फी को दाई तरफ दबा लेते हैं। चलिए स्वामी जी, फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है, धैर्य चाहिए, थोड़ा धीरज रखो। अरे हाँ, जितना लाभ शाकाहारियों को होता है उतना ही मांसाहारियों को भी आयुर्वेद से होता है। शाकाहार को आयुर्वेद में अच्छा जरूर कहा है, लेकिन जो खाते हो, मांसाहार करते हो, वे भी आयुर्वेद के दबाव से पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जितना शाकाहारियों को मुक्तावटी बीपी ग्रिड से लाभ होता है, अश्वगंधा शतावर से लाभ होता है, उतना ही मांसाहारियों को भी होता है। इसलिए आहार का कोई भेदभाव आयुर्वेद में नहीं है, फैक्ट चेक ये है। तो ये भ्रम है, ये मिथ है, ये भ्रांति है कि शाकाहारियों को ही आयुर्वेद के दवाओं से लाभ होता है, मांसाहारियों को नहीं होता। इस भ्रम को सब हटाएंगे, ऐसे अपने घर में एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा की लौकी की फिर बर्फी, बहुत कुछ बताएंगे। दोबारा पाक शास्त्र शुरू हो गया, सर्दी आ गई ना, अभी गोंद के लड्डू भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सब आनंद से दीपावली मनाएंगे, लेकिन लड्डू तुम लोग खाओगे।